हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इफ़ेक्टिव संदीप में। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस किस तरह से फॉर्म किए जाते हैं। और लास्ट पार्ट फोर में भी हमने यही चीज़ें सीखी थी कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस किस तरह से फॉर्म किए जाते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है कि यहाँ पर हम वाई और हाउ से इंटरोगेटिव सेंटेंसेस फॉर्म करेंगे। तो चलिए पार्ट फाइव में हम सीखते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस किस तरह से फॉर्म किए जाते हैं। जब वाक्य में क्यों या कैसे प्रयुक्त होता है, अर्थात उसमें पाया जाता है, तब सेंटेंस की बनावट इस प्रकार होती है। वाई हाउ प्लस एम इज आर प्लस नॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का अर्थ पूरक होता है। आप यहाँ कॉम्प्लीमेंट के स्थान पर एडजेक्टिव या नाउन का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे मैं कैसे दोषी हूँ, हाउ एम आई गिल्टी। हम लोग कैसे गरीब हैं, हाउ वी आर पुअर। वे लोग कैसे बुरे हैं, हाउ आर दे बैड। वह क्यों दुखी है, व्हाई इज ही सैड। तुम क्यों तैयार नहीं हो, Why are you not ready? वे लोग क्यों उपस्थित नहीं हैं, Why are they not present? आप कैसे बेईमान नहीं हैं, How are you not dishonest? मैं कैसे एक चोर हूँ, हाउ एम आई अ थीफ। हम लोग कैसे नेता नहीं हैं, हाउ आर वी नॉट लीडर्स। आपके पिताजी कैसे एक कवि नहीं हैं, हाउ इज योर फादर नॉट अ पोएट। तुम एक डॉक्टर क्यों नहीं हो, वाई आर यू नॉट अ डॉक्टर। तो दोस्तों, आपने यहाँ पर सीखा सेंटेंसेस के माध्यम से कि वाई और हाउ से किस तरह से इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।